हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। और आज आप लोगों को ले चलेंगे टूअर्स के जंगलों के सैर पे। और सुबह सुबह हम लोग आ गए हैं सिलीगुड़ी जंक्शन स्टेशन से, और यहीं से हम लोगों को लेनी है ट्रेन। और ये देखिए, जैसे हम लोग स्टेशन पे एंटर करते हैं, हम लोग को क्या देखा, यहाँ पे टॉय ट्रेन खड़ा हुआ था जो कि तभी जाने वाली थी दार्जिलिंग की तरफ। तो हम लोगों ने टिकट ले लिया है, और ये टिकट है सिलीगुड़ी जंक्शन से न्यू माल जंक्शन तक। और क्योंकि हम लोग पहली बार जा रहे हैं टूअर्स ट्रेन से, तो हम लोग न्यू माल जंक्शन तक ही जाएंगे। और ये खड़ी है सामने हमारी ट्रेन, इसी ट्रेन से हम लोग चलेंगे। और नीचे मैंने ना सारी जो डिटेल्स है ट्रेन की वो दे दिया है, आप लोग पॉज करके देख लीजिए। और मैं जो भी डिटेल्स है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी सबके लिए, वहाँ से भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और ये ट्रेन के अंदर हम लोग बैठ गए, और ये ट्रेन खुलती है 10:50 में, लेकिन ट्रेन थोड़ी सी लेट थी, थोड़ी नहीं बहुत सारी लेट थी, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसे लेट होती नहीं है ट्रेन। और उसके बाद शुरू हुई हमारी टूअर्स की अमेजिंग जर्नी। बचपन में हम सब पढ़ते हैं किताबों में डूअर्स की, पेड़ पौधे, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की जो वेदर, वहाँ की बारिश, इन सब के बारे में। और हम सब मन ही मन एक कल्पना बना लेते हैं कि डूअर्स कितनी खूबसूरत है। और हाँ, यहाँ के जो एनिमल्स हैं, यहाँ के एलिफेंट्स, राइनो, पीकॉक भी दिख जाते हैं, और कभी कभी चीता, ये सब भी आप देख सकते हो यहाँ। क्योंकि ये जगह इतनी सुंदर है कि किताबों में जो पढ़ी थी उससे तो आँखों देखने के बाद जो इसकी ब्यूटी नज़र आती है, और क्योंकि हम लोग मानसून में जा रहे हैं तो इसकी ब्यूटी और ज़्यादा निखर के आती है इस सीज़न में। और देखिए, हम लोग पहुंच गए गुलमा स्टेशन। जी हाँ, ये वही गुलमा है जो मैं पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था, और ये मेरे घर पे बहुत ही करीब है। लेकिन हम लोगों ने ट्रेन ना सिलीगुड़ी जंक्शन जाके ही पकड़ा था, यहाँ से भी हम लोग ट्रेन ले सकते थे, लेकिन ये जो जर्नी थी वो भी बहुत सुंदर थी, इसीलिए हम लोगों ने सिलीगुड़ी से ही ट्रेन पकड़ा था। उसके बाद हम लोगों ने क्रॉस किया मानंदा रिवर और चले गए सेवक की ओर। वैसे मैं ना जब ट्रेन में जा रही थी तो मैं ना ये इमेजिन कर रही थी कि काश हमें कोई एलिफेंट दिख जाए या राइनो दिख जाए, क्योंकि ये जो जोन है यहाँ पे ट्रेन बहुत धीमी चलती है, और यहाँ जगह जगह साइन भी लगे थे कि यहाँ एलिफेंट क्रॉसिंग जोन है। तो मैं यही मना रही थी कि कभी एक तो दिख जाए, लेकिन उस दिन मेरा लक बहुत ख़राब था, एक भी नहीं दिखा। लेकिन कोई बात नहीं, इसकी ब्यूटी तो दिख गई। मैं तो खिड़की से देखते देखते अपनी ना उन बचपन के दिनों को भी याद कर रही थी कि जब हम लोग ये सब पढ़ा करते थे कि कैसे होता है, कैसे वहाँ का सब कुछ है, और यहाँ आज आंखों के सामने देख रही हूँ, इट्स अमेजिंग।
ये देखिए पहाड़ों के बीच बसा है सेवक स्टेशन। और सेवक स्टेशन को छोड़ने के बाद हम लोगों ने क्रॉस किया तिस्ता रिवर, और जो हम लोग ये ब्रिज क्रॉस कर रहे थे ना, रेल ब्रिज, वहाँ से हम लोगों को दिखा कोरोनेशन ब्रिज। यस, ये वही कोरोनेशन ब्रिज है जिसे हम लोग सेवक ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो ये ट्रेन जर्नी बहुत ही सुंदर है। देखिए ट्रेन एकदम दोनों तरफ चाय के बगान हैं, बीच में से हम लोग जा रहे हैं, एक साइड पूरा पहाड़ नज़र आता है और उसके साथ जो कभी कभी थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी। और इसके बाद चाय के बगान, जंगल और बहुत सारे स्टेशन्स को क्रॉस करने के बाद हम लोग आखिरकार पहुंच गए हमारे डेस्टिनेशन स्टेशन पे, यानी कि न्यू माल जंक्शन पे। Thank you.
और न्यू माल जंक्शन में हम लोग को उतरने के बाद हम लोग चले गए स्टेशन के बाहर वाले रोड पे, और वहाँ से हम लोगों ने लिया टोटो, और टोटो से हम लोग चले गए जो है बस स्टैंड, क्योंकि बस स्टैंड के पास जो है एक पार्क है और हम लोग आप लोगों को लेके चलेंगे उस पार्क में। लेकिन उससे पहले हम लोगों को लग रही थी बहुत ज़ोरों की भूख और हम लोग चले गए ये वाले होटल में। फ्रेंड्स, वैसे यहाँ का तो खाना बहुत ही अच्छा था और डुअर्स में तो फ़िश बहुत ही ज़्यादा फ्रेश मिलती है, तो मैंने ट्राई किया फ़िश, मैंने प्रॉन ट्राई किया है। यहाँ खाने की क्वालिटी बहुत ही अच्छी थी, और मेरे हस्बैंड ने ट्राई किया है मटन, लेकिन प्राइसिंग मुझे यहाँ की थोड़ी सी ठीक नहीं लगी, क्योंकि यहाँ के खाने के हिसाब से तो प्राइस मुझे थोड़ी सी ज़्यादा लगी। वैसे आप लोग जा सकते हो क्योंकि टेस्ट बहुत ही बढ़िया था। और ये हम लोग खाना खाने के बाद आ गए हैं माल पार्क में। यस, इसका नाम माल पार्क है, और हम लोग यहाँ कुछ देर बैठे और यहाँ पे इंजॉय किया क्योंकि ये पार्क बहुत ही सुंदर है। आइए आपको दिखाते हैं। और पार्क में मुझे ये फ्लावर मिला, मुझे नहीं एक्चुअली मेरे हस्बैंड को दिखा था और उन्होंने मुझे उठा के दिया क्योंकि उन्हें पता है मुझे ये वाली फ़्लावर ना बहुत पसंद है। और हम लोग थोड़े से आगे बढ़ते हमें दिखा ये छोटू सा एक टॉय ट्रेन जिसमें सारे बच्चे चढ़ के घूम रहे थे। और हम लोग आगे बढ़ गए। और पार्क में टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग निकल गए पार्क से वापस स्टेशन की ओर, क्योंकि हम लोगों की हो रही थी ट्रेन की टाइम। और ये आ गए हैं स्टेशन पे हम लोग, और देखिए हमारी ट्रेन भी आ गई है। और आज ना मुझे वो पुराने ज़माने वाली फील आई, क्योंकि ये जो ट्रेन में हम लोग बैठे थे वो एक कोल इंजन था जिसमें से देखिए धुआं निकल रही थी, और मैं इसे देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी क्योंकि आज के ज़माने में मुझे ये दिख गई जो कि नॉर्मली दिखती नहीं है, लेकिन इस लाइन पे शायद ये अभी भी चलती है। और फिर आ गए हम लोग अपने घर, ये आ गया गुलमा स्टेशन पे, हम लोग अभी उतर गए। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलेंगे अगले किसी ब्लॉग में, और ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।